हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को हैप्पी अहोई अष्टमी। तो जी, हम जा रहे हैं कहानी सुनने के लिए, मैं और सोना। तो मैंने रखा है व्रत सोना और नैना के लिए, तो बस मैं कहानी सुनने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 3:30 का, निकलते हैं क्योंकि देर हो गई। फिर आके खाना बनाना है क्योंकि तारा निकलने से पहले पूजा करनी होती है, इसलिए। तो चलो चलते हैं। खुद ही कहेंगे आज कहानी, आज पंडतानी नहीं आती है, हम दोनों खुद ही कह लेते हैं। बस मैं और वो ही होंगे, मैं और मेरी फ्रेंड। ये मैंने 10 का सिक्का डाला इसमें। चलो चलते हैं। चलो, हम जा रही है सभी। छोटी बहन है, छोटी की छोटी। ये ले लो, अब तो मैं जान कुछ बैठी थी किताबों के लिए, फिर भागना। ये ले ले। और एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वह तो बुढ़िया नित्य ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते थे कि बुढ़िया मांग, तू क्या मांग ले, क्या मांगना चाहती है। बुढ़िया कहती थी, किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके साथ लड़के थे। कार्तिक माह के महीने में दिवाली से पहले अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए एक दिन उसकी स्त्री मिट्टी लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी सुन के आ गई हूँ और अब बनाएंगे खाना। तो खाने में मैं बनाऊंगी आज हलवा बनाऊंगी, पुए बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी, आलू गोभी बनाऊंगी और पूरियां बनाऊंगी। तो बस मैं तो खुद कटपिट कर लेती हूँ सब्जी को ना, ऐसा कुछ मैं वो नहीं करती हूँ कि विचार करते हैं ना कि इस दिन कुछ नहीं काटना होता। हाँ, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं वो सब मैं नहीं काटती हूँ, बाकी सब्जी काटने का काम मैं आराम से कर लेती हूँ। कोई करता भी नहीं है और फिर मुझे खुद ही करना होता है, इसलिए। तो देखिए, ये देखो मैंने इनसे मंगाया है कटोरा, तो लाए बड़ी कटोरी, कटोरा बड़े वाला कटोरा। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, मैं खुद लेकर के आती हूँ। ये देखो, तेरी छलनी नहीं है, ये रखी छलनियाँ, एक छलनी ये रखी है ना, ये देखो ये भी छलनी, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ कटोरा, इसमें तो देखो मैंने ये कर रखा है घोल, और इसमें क्या है, इसमें इसने आलू भर दिए, इतना सारा पानी डाल के पूरी स्लैब पे पानी कर दिया इसने, इसने खुद ने रखा है, करी कटोरा नहीं है कोई भी, देख रहे हो, बताओ नहीं है तो इसे ले लो, क्या हो गया। I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you all the time up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'd stick around, hoping you'd be around for me. You said that you were down. Down, you said that you were 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 down, you said that
music through with me or not. And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want, like it. I know that you like it, you like it. Yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you all the come up, but don't switch up on me. Yeah. I know that. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गूँथ रही थी आटा और मेरी दोनों सब्जियाँ बन चुकी हैं। छोले भी बन गए हैं, आलू गोभी भी बन गई है, पुए भी बन गए हैं। और मैंने यही सोचा था कि एक घंटे के अंदर ना मैं सारा खाना बना दूँगी। तो इस तरीके से तो मेरा एक घंटे के अंदर ना सारा खाना बन गया था, मतलब हलवा, पूरी, पुए, दोनों सब्जियाँ, एकदम अच्छे से हो गया था काम पूरा का पूरा एक घंटे के अंदर। क्योंकि पहले हमने कहानी सुनी, फिर हम वहीं बैठे रहे अपनी फ्रेंड के घर पर ही, फिर हमने चाय पी, पानी पिया, फिर उसके बाद हम फ़ोटो खिंचाई हम दोनों ने, फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी। फिर घर पर आकर के मतलब घर आते आते 5:30 तो हो ही गए थे, 5:30, 5:15 के आसपास। बस थोड़ी सी देर बैठी, फिर घर पर आकर के फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। और मुझे बताइएगा आप लोगों के यहाँ पर किस तरीके से पूजा होती है ना, होगी। सबके यहाँ पर अलग अलग रिवाज होते हैं ना, जैसे किसी के यहाँ पर तो सिर्फ पुओ से पूज देते हैं, है ना, और किसी के यहाँ पर शायद सारा पकवान बनता है। तो किस तरीके से करते हैं, जैसे मम्मी ने तो मेरे को, मतलब मेरी मम्मी ने ना इस तरीके से करवा रखा है। तो मेरे ससुराल में तो होती नहीं है, और ही ना, तो वो होता है कि अपने मायके से जो लेकर के आ जाए वो कर सकता है। तो इसलिए मम्मी ने मुझे व्रत उठवा रखा था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने ये व्रत। और बस इस तरीके से करती हूँ मैं तो पूजा। अभी आपको पता लगेगा भाई मैं पूजा करूँगी। तो जैसे कि ना कितने लोग तो शाम के कहानी सुनते हैं शायद ना, लेकिन हम लोग तो ना दिन में कहानी सुन लेते हैं। तो दिन में कहानी सुनने के बाद फिर इस वाले व्रत में हम चाय पानी पी लेते हैं। और करवा चौथ के व्रत में तो मतलब कितनी बार नहीं पीते, कितनी बार, क्योंकि देखो कितनी बार होता है कि ऐसा नहीं कि नहीं पीती हूँ, पी लेती हूँ ऐसा नहीं है उसमें भी, लेकिन ये कि हाँ कितनी बार होता है नहीं पीते हैं और कितनी बार पी लेते हैं जब तबीयत ख़राब होती है तब, बस इसलिए। तो बस यहाँ पर मैंने ऐसे पानी फेर दिया है। और बस अब मैं ना ये गेहूँ होते हैं, गेहूँ से पूजा करते हैं ना वही की अहि माता की, इसलिए तो गेहूँ थे तो मैं उन्हीं से इस तरीके से कर रही थी पूजा। और कितने लोग थे ना कहानी सुनते समय भी गेहूँ लेते हैं ना हाथ में, मेरे को ध्यान नहीं है मम्मी इस तरीके से कराती थी, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मैंने गेहूँ लेती थी, चावल लेती थी, पर हम लोग तो चावल ही लेते हैं हाथ में ना कहानी सुनते समय। और यहाँ मैं भोग लगा रही थी माँ को। और बस आज तो कोई भी नहीं है खाना खाने के लिए ना, तो मैंने फिर क्या करा, मैंने जो थाली निकाली थी ना, तो हमारे सामने जो रहते हैं ना एंजल, मैंने उसको दे दी थी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि ऐसे बोलते कि ना आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे तो बच्चे तो देखो होते ही हैं, वो उनको दे सकते हैं, लेकिन मना करते कि नहीं अपने बच्चों को नहीं दे सकते इस तरीके से पूछ करके, क्योंकि आपने पूजा है इसलिए, बाकी अगर किसी और ने पूजा हो तो मेरे बच्चे खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी घी की धार, तो वही मैंने लगाई है फ़ोटो पर इस तरीके से। और बस मैंने खाना वहाँ भिजवा दिया था। आज तो ना जेठानी है आई हैं और ना ही मेरी सास के पास खाना गया है, और वैसे भी ना इतना ज़्यादा खाना हो जाता है ना, मेरी सास तो खा भी नहीं पाए बिल्कुल भी, वो तो बहुत कम खाना खाती हैं इसलिए। तो और यह है मेरी थाली,
सब खाना खा चुके हैं, तो बस अब मैं खाऊंगी सबसे लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।